नमस्कार, हैरम्ब कार्यक्रम में आपको स्वागत है। हैरम्ब नाम का उच्चारण करने से ही हमारे भीतर जो प्रसन्नता है वो प्रकट होने लगी। महादेव शर्मा जी और श्रीनाथ शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम है आपको। व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आप नया कार्यक्रम शुरू किया है वो हेरम नामक टीवी चैनल से, आध्यात्मिक और सभी लौकिक आध्यात्मिक वो खबर के लिए, वार्तालाप के लिए आपने प्रारंभ किया है। इसका निर्विघ्नता के लिए भगवान हेरम्ब बोल के अर्थ क्या है, अम्ब बोल के माता जी है, हे बोल के संबोधन है, तो अर्थात क्या है, हमेशा शिशु लोग ने क्या मांगते हैं बोल के अम्मा का साथ रहने के लिए, माता जी का सामने, माता जी का शरीर का संपर्क होने के लिए हमेशा वो ढूंढ रहे हैं शिशु। सो गणेश जी भी सबसे छोटा छोटा शिशु दुनिया में और सभी लोग में है, वो स्मॉल बेबी है, वो हमेशा माता जी माता जी माता जी आइए आइए मुझे पालन करिए ऐसा बोलने वाला का बोलते है हे रंग। इसीलिए ऐसा भगवान का नाम आया है। हमेशा वो रोते हैं, अम्बा 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 मुझे देखो, मुझे क्या चाहिए वो दे दिए, ऐसा बोलने का समय में शिव जी ने कहा है हे रंग, ऐसा गणेश जी का नाम उच्चारण किया है। इससे हम सभी शिशु का जैसा हुआ तो भगवान का, ईश्वर का कृपा जरूर 100% मिलता है। इसीलिए हम गणेश जी का जैसा अम्मा का और माता जी का, भगवान का हम बुलाने के लिए हम शिशु होना है। मीन्स मन में कोई काम अहंकार इत्यादि, मद काम क्रोध लोभ आदि सभी विसर्जन करके शिशु हम जब बनते हैं तब भगवान का दृष्टि हमारा ऊपर आएगा। इसीलिए भगवान का जैसा उदाहरण देते हैं, आप भी ऐसा तरह हो तब आपका ईश्वर का कृपा मिलेगा। इसीलिए भगवान का नाम हे रंब, स्कंद पूर्वज, स्कंद पूर्वज बोल के वो शरवण भवन कार्तिकेय का पहला उत्पन्न हुआ है गणेश जी का नाम, ऐसा हे रंब का नाम हम अर्थात बोल सकते हैं। व्यास जी बहुत धन्यवाद। तो शिशु रूप में भी कहीं ना कहीं हैरम्ब नाम हमको ले जाता है, और शिशु भाव से हम प्रकृति की तरफ देखें तो हर संकट का सामना करने की अतिरिक्त शक्ति हमें मिल जाती है, हमारे भीतर की श्रद्धा जागृत रहती है, और जिस तरह की स्थितियों से हम निकल रहे हैं इसमें प्रकृति की ओर श्रद्धा के साथ देखना और अधिक अनिवार्य है। पर बचपन की तरफ चले महादेव जी, तो आप जब छोटे थे और गणपति स्वरूप पहली बार आपने देखा या तो क्या उनके बारे में सुना था, कैसा आपका मन में उनके प्रति भाव था? वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। छोटे से गणेश जी बहुत पसंद है। गणेश जी का ऐसा ट्रंक देखे तो, स्टमक देखे तो सभी बच्चों को, बच्चे बच्चों को छोटे एज में बहुत पसंद होता है। गणेश जी सुलभ प्रसन्न मूर्ति बोलते हैं। हमारा शास्त्र में क्या बोला, गणेश जी विद्या प्रदाता, विद्यार्थियों के लिए विद्या प्रदाता है, बड़े वाले को लिए धन प्राप्ति धन देने वाला है, ऐसा शास्त्र में है। मैं छोटे से गणेश जी को मेरा पिताजी और मेरा पितामह जी ने ऐसा गजानन पद्मार्कम गजानन महर्निशम अनेकदम तम भक्तानां एकदं तमुपास्महे, ऐसा प्रार्थना श्लोक छोटे एज में मैं पढ़ते है। ऐसा गणेश जी बहुत छोटे से बहुत पसंद है। गणेश जी का यह स्वरूप बालक स्वरूप जैसा है ना, हम भी बालक है, ये बालक ऐसा फ्रेंड जैसा हमारा भावना है। हम क्या खाए तो गणेश जी को एक लड्डू एक मोदक ऐसा ऑफर करके गणेश जी को ऐसा प्रार्थना करते है छोटे दिन में। बहुत ही सुंदर। और एक दंतम उपासमहे, और जो एक दांत है उनका, उसके बारे में भी शास्त्रों में और संतों ने बहुत कुछ संकेत प्रेरणा के जो दिए हैं। महादेव जी उनकी तरफ आप हमें ले जाएं थोड़ा, और उससे पहले जो आपका प्रिय गणपति की आराधना का श्लोक या मंत्र है वो भी हमारे दर्शकों के साथ बांटे। विघ्नध्वांत निवारण कतर निर्विघाटवी हव्यवान विघ्नं यालकुलस्य मत्त गरुडो विघ्नेह पञ्चाननः विघ्नोत्तुंग गिरिप्रभेदन पवेः
विघ्नार्थ कुंभो भवः विघ्नाघोघ घन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वर पातु माम। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, श्लोक है, गणेश जी का प्रार्थना है। बहुत अच्छा वर्णना हुआ है ये श्लोक में, ये महर्षियों ने बोला है सभी विघ्नों काट करने के लिए ये प्रार्थना श्लोक है। बहुत सुंदर। तो श्रीनाथ जी, एक दंत का क्या मर्म है जी? इसमें क्या है जी, गजासुर का संहार में इनका कोई का अस्त्र शस्त्र से वो वधोपाय नहीं है, ऐसा वरदान मिला है ब्रह्मा जी से। इसीलिए भगवान गणेश जी ने सोचा है इनका अस्त्र शस्त्रों से मरण का प्राप्ति नहीं है, इसीलिए ऐसा एक दांत काट करके ये दांत से उनका मार किया है। इसीलिए भगवान जब तब से भगवान का दोनों दांत में एक दांत काट किया ना, तब से इनका प्रसिद्धि आ गया है एक दंत। हम देख रहे हैं गजों का एलिफेंट के लिए दोनों दांत बहुत बड़ा बड़ा दांत होता है, वो वाइट बहुत वाइट दिखता है। सो ऐसा दांत निकाल के इससे उनका मार दिया है। लोक का सुख कारक और मंगल कारक, लोगों का बाधा का निवृत्ति कारक हुआ है गणेश जी। इसीलिए इसी तरह में अभी कोविड का संविधान में भी हम गणेश जी का प्रार्थना करें तो उनका दृष्टि कृपा दृष्टि से ये मनुष्यों का क्या क्या संतप्त हो रहा है वो सभी संतापों के लिए, दुखों के लिए, शोकों के लिए वो काट करने वाला होने में कोई संशय नहीं है। गणपति भगवान की कृपा से विघ्नों के पार जाए, वो विघ्न करता भी है, विघ्न हर्ता भी है। तो महादेव जी, कौन सा ऐसा श्लोक या मंत्र है जो आपको लगता है कि हमारे दर्शक अगर इस कार्यक्रम में भी आपसे सुने तो उसके द्वारा वो जप करके गणपति भगवान के प्रति अपनी जो भक्ति भाव है उसको बढ़ा सकते हैं? सभी गणेश जी का बहुत मंत्र है शास्त्र में, सुलभ मंत्र है, थोड़ा दुर्लभ मंत्र है। दुर्लभ मंत्र पहला बोलते है वेद में क्या है, ओम नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद में गणेश जी का वर्णन बहुत विस्तृत हुआ है। सभी ऐसा मंत्र गणेश जी का प्रार्थना कर सकते हैं। इजी में क्या है, ओम गम गणपतये नमः, ऐसा गणेश जी को प्रार्थना करें तो। गणेश पुराण में क्या है, गणेशा 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 गणेशा, ऐसा संकट हर चतुर्थी में नहीं है तो एवरीडे में ऐसा स्मरण करें तो गणेश जी का कृपा मिलता है, ऐसा वेदव्यास महा मुनि ने बोला है गणेश पुराण में। गणेश जी का स्मरण बहुत लाभदायक है, बहुत शुभप्रद है, ऐसा हमारा पुराण में कहते हैं। तो इस वार्तालाप को अभी समापन की तरफ ले जाएंगे, लेकिन श्रीनाथ जी ये क्रम हम आपके साथ सत्संग का जारी रखेंगे समय समय पर। तो ओम सुमुखश्चैक दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि जह्वयेच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रदेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। ओम गम गणपतये नमः। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृत ब्रदर्स दोनों हमारे साथ जुड़े। श्रीनाथ जी महादेव जी, आपको हैरम्ब कार्यक्रम की तरफ से हमारा साथ देने के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए धन्यवाद है। पुनः पुनः प्रणाम। जय गणेश।